सामने आप देख रहे हो डबल एसी ब्लॉक होते हैं जी, कंक्रीट ब्लॉक भी बोलते हैं लोग इनको, लेकिन ये वो नहीं है। डबल एसी ब्लॉक अगर घर में यूज करोगे, घर में इतने ज्यादा फायदे हैं जो लाल ईंट नहीं आपको दे पाती है। लेकिन काफी चीजें हैं, मिथ हैं कि इसमें क्रैक आ जाते हैं, ये सही नहीं है, इसमें गर्मी रहती है, इसमें आप ड्रिल नहीं कर सकते। इतनी ज्यादा मिथ है कि लोग इसको यूज ही नहीं करते, लेकिन जब आप इसको यूज करोगे आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिलेंगे जो आपको लाल ईंट नहीं दे पाएगी। और आज की वीडियो में मैं वही आपको बताने वाला हूँ कि डबल एसी ब्लॉक को लगाओ और कैसे लगाना है, क्या क्या ध्यान देना है, लाल ईंट से ये क्यों अच्छे हैं, सब चीज़ें इस वीडियो में आपको पता चल जाएंगी। डबल एसी ब्लॉक में कभी क्रैक नहीं आएगा अगर उसको सही से यूज करोगे, सही से कंस्ट्रक्ट करोगे। अगर ब्रिक को भी सही से यूज नहीं करोगे तो उसमें भी क्रैक आ जाता है। मैं समझाता हूँ इसके पीछे की कहानी। सबसे पहले जब भी डबल एसी ब्लॉक बनता है ना तो उसमें 25% मॉइस्चर होता है। जब वो बन के बाहर आता है उस दिन उसमें वो गीला होता है। अगर तभी के तो एक दो दिन के बाद उसको यूज कर दोगे तो दिक्कत आएगी, वहां क्रैक आएगा ही आएगा। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी आपको डबल एसी ब्लॉक लेना है तो वो एक हफ्ता कम से कम पुराना होना चाहिए। ये आपको मतलब क्योंकि उसका बैच नंबर होता है तो आपको कंपनी जहां से भी लेना है तो एक तो पहले जेन्युइन बंदे से लेना है। जो मैं आगे कंपनी बताता हूँ किस किस कंपनी का लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जेन्युइन बंदे से लेना है जो आपको पूरा नॉलेज दे कि ये कितना पुराना है, ठीक है। एक नया ब्लॉक अभी यूज मत करना कि आज फैक्ट्री से बना दूसरे दिन उसको अपने साइट पे यूज कर रहे हो। काफी कंपनीज करती हैं जहां डिमांड ज्यादा होती है, बनते जाते हैं निकलते जाते हैं, तो आपको एक चीज तो ये करनी है, तो उससे कुछ परसेंट आपके क्रैक्स खत्म हो जाएंगे। लाल ईंट से जो लोग सालों से यूज करते आ रहे हैं, बहुत भरोसा है लोगों को उस पर। तो इसके फायदे क्या हैं, पहले सुनने लाल ईंट के फायदा यही है कि वो इजीली अवेलेबल है और सस्ता है। नुकसान काफ़ी ज़्यादा है उसके। एक तो उसमें सीलन आ जाती है क्योंकि उसका वाटर अब्जॉर्प्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। 15-20% वो पानी सोखती है, भले जमीन से कहीं से भी उसको पानी मिलेगा वो कैपिलरी एक्शन से पानी ले लेगी और पूरे घर में सीलन आ जाएगी। दूसरी चीज, स्ट्रक्चर में डेड लोड बनाती है, मतलब भारी होती है ना वो ईंट, उससे क्या होगा बहुत सारी ईंटें जब यूज करेंगे स्ट्रक्चर में तो वो भारी हो जाएगा, डेड लोड बढ़ जाएगा। उससे क्या होता है हमें सरिया एक्स्ट्रा देना पड़ता है घर में, ठीक है। और ये अर्थक्वेक प्रूफ नहीं होती, जब अर्थक्वेक आएगा तो सबसे ज्यादा गिरने के चांसेस हो जाते हैं लाल ईंट के। ये एक बात होगी। अगली बात है कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जितनी ज्यादा क्ले हम निकालते जाएंगे उतना ज्यादा हमारा इन्वायरमेंट खराब होता जाएगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अभी मैं मुद्दे पे आता हूँ, बात क्या है डबल एसी ब्लॉक की। आज मैं उसका सब कुछ बताने वाला हूँ, सारे क्वेश्चन उसके क्लियर करने वाला हूँ। डबल एसी ब्लॉक ना कल ना परसों, कोई 2 साल पहले नहीं आया ना 3 साल पहले, 1920 से ये डबल एसी ब्लॉक यूज़ किया जा रहा है। कब? 1920 से, जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था तब से ये किया जा रहा है। और जो डबल एसी ब्लॉक है वो 65% फ्लाई ऐश से बनता है, बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं इसमें। डबल एसी ब्लॉक की एक बहुत अच्छी चीज़ है इसकी डेंसिटी। डेंसिटी क्या हो गई? इसका वजन, जब इसका वेट कम होगा उससे होता क्या है, आपके घर में डेड लोड खत्म हो जाता है। मतलब जो घर में पिलर्स बीम के साइज बड़े बड़े देने पड़ते हैं ना, वो आप छोटे कर सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज है इसकी। दूसरी चीज होती है, ये काफी लोगों को नहीं पता होगा, हीट प्रॉब्लम नहीं होती है। जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी किसी प्रोडक्ट की उतनी ज्यादा अंदर गर्मी होगी। मतलब मैं समझाता हूँ आपको, जैसे लाल ईंट अगर हम घर में यूज करते हैं उसकी डेंसिटी थी 1600 पकड़ लो, ठीक है, 1600, तो गर्मी हमारी ज्यादा होगी, गर्मी ज्यादा होगी, जितनी डेंसिटी उतनी गर्मी ज्यादा। फिर फ्लाई ऐश की डेंसिटी है 1700 पकड़ लो, क्योंकि उससे रेड ब्रिक से ज्यादा ही है वो, तो 1700, तो उसमें और ज्यादा गर्मी होती है। तो इसलिए क्ले ब्रिक में प्रेफर भी नहीं करता आजकल, मैंने मना कर दिया बोलना कि फ्लाई ऐश ब्रिक यूज करो, मैं नुकसान आगे बताने वाला हूं उसके, तो उसकी गर्मी और ज्यादा होगी। और डेंसिटी ज्यादा होगी तो गर्मी ज्यादा होगी, लेकिन डबल एसी ब्लॉक की डेंसिटी कितनी है, 400 से 800। अगर हम 400 पकड़ते हैं तो आधे से आधा हो गया, तो आपके घर में कभी भी गर्मी नहीं बनेगी। अगर आप डबल एसी ब्लॉक अपने रूम में अपने फ्लैट्स में यूज करते हो तो आपके घर में गर्मी बहुत ज्यादा कम होगी, हीट प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो आपको इतना ज्यादा हैवी एसी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर जहां अब हम लाल ईंट यूज करेंगे उस कमरे में हमें अगर 1.5 टन का एसी लगाना पड़ रहा है, अगर डबल एसी ब्लॉक यूज करेंगे तो 0.5 टन का एसी लगाओगे तो उतना ही ठंडा आपका कमरा रहेगा। ये हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बच रही है, आपके स्ट्रक्चर का खर्चा बच रहा है, मटेरियल का खर्चा बच रहा है। तो स्ट्रेंथ में लाल ब्रिक से कम नहीं है, स्ट्रेंथ में बराबर है, मैं बोलूंगा ज्यादा ही होगा, लाल ईंट से कम नहीं होगा। स्ट्रेंथ हमें प्रॉपर मिल रही है, कोई दिक्कत उसमें हमें नहीं आ रही है। और मैं आपको क्लियर कर दूं
जो हम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आजकल, लोड बेरिंग हम दे नहीं सकते क्योंकि अर्थक्वेक हर जगह आ रहा है। आपके एरिया में आ गया, पूरे इंडिया में आ सकता है, कोई एरिया सेफ नहीं है। जो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है वहाँ तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, लेकिन हर जगह अर्थक्वेक आता ही है। आप बिना कॉलम बीम के इस समय घर नहीं बना सकते क्योंकि मतलब इन्वायरमेंट है ही नहीं, हार्श होता जाएगा और आगे आगे लोड बेरिंग स्ट्रक्चर लगा लो बंद ही कर दी है आजकल लोगों ने बनाना। अगर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर हम नहीं बना रहे तो रेड ब्रिक का काम क्या है? कुछ नहीं है। तो आपको कॉलम और बीम देने ही देने, तो हमें जो लाल ईंट है या जो हमारा डबल एसी ब्लॉक, वो किसके लिए देना है? सिर्फ ढकने के लिए, मतलब पार्टीशंस के लिए, बंद करने के लिए। उस पर कोई लोड नहीं आने वाला, तो लोड की हमें ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं। अगर ज़रूरत भी है तब भी दोनों बराबर लोड दे रहे हैं हमें, ठीक है। हमें वो यूज़ करना है। और दोनों को लगाने का खर्चा क्या है? लाल ईंट का खर्चा डबल पड़ता है, डबल नहीं बोलूँगा, डेढ़ गुना ज़्यादा है। मतलब अगर हमने एक 2014 का मैंने वो देखा था, SOR देखा था इसका PWD का, तो उन्होंने कास्ट लिखी थी कि ब्रिक वर्क करने का हमें खर्चा पड़ता है पर स्क्वायर मीटर 5,252 रुपये, 52 रुपये। और वैसे ही डबल एसी ब्लॉक को अगर हमें उसका करना ऊपर पर स्क्वायर मीटर, तो 5,052 रुपये पड़ता है। मतलब उससे 200-300 रुपये कम ही पड़ रहा है। अभी थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो गया ना, मतलब खर्चा कम पड़ता है, ये चीज़ भी मैटर करती है, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए। दूसरा, इसमें टर्माइट नहीं लगता है। जो हमारा डबल एसी ब्लॉक है उसमें टर्माइट क्यों लगे? वो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, उसमें मतलब कीड़े टर्माइट का कोई इशू नहीं है। अगर आप कहीं भी यूज़ करते हो तो दीमक भरा उसको नहीं लगेगा, लेकिन ईंट क्या है? ऑर्गेनिक है, मिट्टी है, उसमें क्ले है, तो वो धीरे धीरे ख़राब कर सकती है आपकी टर्माइट वगैरह, उसको खा सकती है। तो टर्माइट का भी हमें कोई इशू इसमें नहीं है। अगर हम बात करते हैं, काफ़ी लोगों का कहना होता है कि सर डबल एसी ब्लॉक करेंगे हम यूज़ तो वहाँ उसका उसकी तो बॉन्ड ही नहीं अच्छी होती, तो जब अर्थक्वेक आएगा तो हमारा तो पूरा घर गिरने के चांसेस हैं। जब हम लाल ईंट बनाएंगे उनमें बॉन्ड अच्छी होती है, अर्थक्वेक आएगा तो हमारा घर गिरेगा नहीं। भाई मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, जो डबल एसी ब्लॉक है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, मतलब वो अर्थक्वेक में इतनी जल्दी नहीं गिरेंगे, जबकि लाल ईंट उससे पहले गिर जाएगी। दो दीवार बना के रखना, एक डबल एसी ब्लॉक की, एक लाल ईंट की, देखना सबसे पहले अर्थक्वेक में हमारी लाल ईंट गिर जाएगी, डबल एसी ब्लॉक नहीं गिरती है। और अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, अगर एक एग्जांपल लूँ मैं जापान की, अगर मैं बात करूँ 70% जो भी घर हैं वहाँ, 70% सुन लेना क्या बोल रहा हूँ, 70% लोगों ने डबल एसी ब्लॉक यूज़ किए हैं। बहुत बड़ी बात होती है। अभी मोस्टली जो कंट्रीज हैं यहाँ अर्थक्वेक वगैरह आया, टर्की वगैरह, वहाँ पर सारी बिल्डिंग वगैरह गिर गई। अभी जो भी कंस्ट्रक्शन होगी वो अर्थक्वेक को देख के की जाएगी, और उसमें सबसे पहला मटेरियल जो लिखा गया है कि आपको डबल एसी ब्लॉक यूज़ करना है, ये चीज़ होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट, फायर रेजिस्टेंट है। ब्रिक हमारी उतनी फायर रेजिस्टेंट नहीं होती, लेकिन जो हमारा डबल एसी ब्लॉक है वो 4 से 6 घंटे तक आपकी गर्मी, अगर आग लग गई दूसरे कमरे तक नहीं जाने देगा, वो 4 से 6 घंटे रोक के रखेगा एक कमरे में आ गई, इतनी इस कैपेसिटी होती है। लेकिन जो ब्रिक होगी, एक कमरे में आग लग गई, थोड़े टाइम बाद वो ब्रिक भी जलना लग पड़ती है, कुछ इतनी हीट हो जाए जब, तो वो जलने लग पड़ती है। बाकी मैंने सीलन का आपको बताया, कोई दिक्कत ही नहीं है डबल एसी ब्लॉक में, क्योंकि उसका अब्जॉर्प्शन, वाटर अब्जॉर्प्शन बहुत कम है, क्योंकि अंदर सेलुलर उसका स्ट्रक्चर क्या है, आप कभी डबल एसी ब्लॉक को तोड़ के देखना, अंदर मतलब गैप गैप होते हैं, तो वो क्या है, उन गैप के थ्रू पानी ट्रांसफर नहीं होता। मतलब इसका अगर नीचे से कहीं अगर डबल एसी ब्लॉक को पानी भी लग रहा है, वो इतनी जल्दी ऊपर नहीं लगाता। एक इसका एक टेस्ट कर लेना, एक बकेट में पानी भरना, इस ईंट को खड़ा करके रखना, और वैसे ही डबल एसी ब्लॉक को खड़े रखना, देखना सुबह तक पूरी ईंट क्या होगी, गीली हो गई, लेकिन डबल एसी ब्लॉक आधा पहुंचा होगा या जहां तक डाला होगा उधर तक ही वो गीला होगा, ये टेस्ट करके देख लेना। यहाँ हमें डैम्पनेस की भी कोई दिक्कत नहीं रहती अगर आपने ये यूज़ किया गया, ये भी बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। फिर हम बात करते हैं, आपको जब भी डबल एसी ब्लॉक लेना है वो ग्रेड वन का लेना है। दो ग्रेड आते हैं डबल एसी ब्लॉक के, ग्रेड वन, ग्रेड टू। ग्रेड टू क्या हो गया, उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, तो आपको हमेशा ग्रेड वन ही लेना है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। आपको डबल एसी ब्लॉक कौन सा लेना है, ग्रेड वन। वो कैसे पता चलेगा, उस पर मेंशन होता है, उस पर IS कोड भी लिखा होगा कि IS कोड 2185, कौन सा IS कोड 2185 पार्ट 3, मतलब 2185 ही लिखा होगा, तो वहाँ पे होता है। देखो इसमें होता है क्या, जितनी डेंसिटी बढ़ती जाती है ना इसकी डबल एसी ब्लॉक की, तो स्ट्रेंथ वैसे ही ज़्यादा होती जाती है, ये याद रखना। तो यही चीज़ है, अभी मैं बात करने वाला हूँ जो लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हम डबल एसी ब्लॉक यूज़ कर ले, आपने फ़ायदे बहुत बता दिए, नुकसान काफ़ी होते हैं। इसमें क्रैक आ जाता है, एक क्रैक कैसे आता है ये चीज़ जानना पड़ेगी ना आपको, क्यों आता है वो, उसमें कोई लिखा नहीं है कि अपने आप क्रैक आएगा ही आएगा।
ऐसी ब्लॉक यूज कर ले, आपने फायदे बहुत बता दिए, नुकसान काफी होते हैं, इसमें क्रैक आ जाता है। फिर भी आपकी जो दीवार होती है ना वो 15 से 16 फीट ज्यादा नहीं रखनी है, मतलब दो कॉलम के बीच का डिस्टेंस 15 से 16 फुट होना चाहिए। अगर 15 से 16 फुट से ज्यादा है, अगर आपको स्पान ज्यादा चाहिए तो बीच में एक एक्सपेंशन जॉइंट दे दो, एक मुलिन होता है, या छोटा सा कॉलम खड़ा कर दो, या पाइप खड़ी कर, मतलब आपका जो मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए दो कॉलम के बीच 15 से 16 फीट होगा तो वहां क्रैक के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। दो रीजन ये हो गए क्रैक्स को कम करने के। ये चीज अगर ब्रिक में भी अच्छे से नहीं करोगे, नई ब्रिक यूज कर दोगे उसमें क्रैक आ जाएंगे, अगर ज्यादा स्पैन होगा वहां क्रैक आ जाएगा, वहां भी आते हैं, ये मैं चीज बता रहा हूं। नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, आपको हमेशा जो आपका आपने डब्ल्यूएसी ब्लॉक कर रहे हो, हमें क्या करना होता है, कंक्रीट का बैंड प्रोवाइड करना होता है, मतलब हर 3 फीट पे, जैसे हमारा 1500 में होता है जहाँ खिड़की आएगी हमारा, वहाँ पे कंक्रीट बैंड देना होता है। कंक्रीट बैंड क्या हो गया, मतलब आपको लगा लो 4 इंच उसकी डेप्थ रखनी है, बीच में 8 का सरिया डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, सरिया का कुछ लेना देना है, मतलब हम क्या कर रहे हैं उसको जगह दे रहे हैं एक्सपेंशन के लिए, एक्सपेंशन और कंट्रक्शन के लिए, क्योंकि इनकेस क्रैक्स आने वाले हैं, तो हमें कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करना है। 2-8 के सरिये लो, कॉलम में दे दो, कंक्रीट बैंड प्रोवाइड कर दिया, और 7 फुट पे हमें लिंटल देना ही देना होता है। तो अगर ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रखोगे तो आपके डब्ल्यूसी ब्लॉक में क्रैक नहीं आएंगे। और क्रैक कहाँ आते हैं, जहाँ ये चीज़ें नहीं की जाती, तो उसमें क्या मिथ, उसमें तो अगर ब्रिक होगी तो ब्रिक में भी आ जाएंगे, ये मिथ पकड़ लिया, मतलब सही तरीके से डब्ल्यूसी ब्लॉक को लोग यूज़ नहीं करते हैं और उनके माइंड में ये बैठ गया कि ये गलत चीज़ है, ये बहुत बड़ी वो है। और क्रैक रोकने का एक और तरीका होता है, जब हम कर रहे होते हैं मतलब डबल एसी ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, हम करते करते ऊपर पहुंच के हमारा जो बीम होता है वहाँ हमारा गैप बचता है। आप हमेशा देखना जिन्होंने कंस्ट्रक्शन पे काम किया है साइड पे, उनको पता है डबल एसी ब्लॉक लगाते गए ऊपर गैप बच रहा है 10 mm का, 15 mm, 20 mm का, इतना गैप हमारा बचता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, वो जब आपका गैप बचता है उसमें आपको प्रॉपर नीचे से पूरा प्लान करके चलना कि हमें इतने ब्लॉक लगाएंगे पहले, क्योंकि ब्लॉक का हमारा साइज़ क्या होता है, डिफरेंट साइज़ के आपको आते हैं, हर एक डेप्थ का मिल जाएगा, हर एक ब्रेथ का मिल जाएगा। तो आपको अगर कितना 100 mm का डेप्थ का आपने यूज़ करे, 100 mm 3 मीटर हाइट है उसकी, तो आपको उतना डिसाइड करके चलना है। बीच में कंक्रीट बैंड की आप डेप्थ ज़्यादा कर दो या लिंटल की डेप्थ ज़्यादा कर दो, आपको इस हिसाब से चलना है कि ऊपर जो आपकी गैप बचे वो कितना बचे, 10 mm, मतलब 10 mm भी नहीं, 10 mm से कम गैप बचना चाहिए। जब 10 mm से कम गैप बचेगा तो उसमें आपको क्या करना है, एग्रीगेट के छोटे छोटे पीस, मतलब 6 या 8 mm का एग्रीगेट लेना है, 150-150 के सेंटर से बीच में घुसा देना है, अच्छे से घुसाना है कि प्रॉपर पैक हो जाए। जब अच्छे से घुसा दिया और फिर उसमें मोटार भर दो, फिलिंग कर दो, मोटार डाल दी, तो आपकी जो बीम क्या, ये क्रैक क्यों आता है डब्ल्यूएसी ब्लॉक में या ब्रिक में दीवारों पे, ये होता है कि हमारा, और इधर एक चीज़ समझना, ब्रिक में इसलिए क्रैक आना बच जाता है क्योंकि वहाँ हमारा गैप होता है, मोटार जब हमने 10 से 12 mm प्रोवाइड की होती है, मोटार की उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, और जब ऊपर से लोड बैठता है कॉलम, हमारा जो बीम होता है उसमें सेटलमेंट होती ही होती है, क्योंकि बीच से हमें उसे कैम्बर प्रोवाइड किया होता है, किसको, बीम को, और वो थोड़े टाइम बाद सेटल होगा तो वो लोड किस पे आएगा, ब्रिक पे, तो ब्रिक के अंदर जो मोटार होती है वो थोड़ी पैक प्रॉपर से नहीं होती, तो वो बैठेगा इतना ज़्यादा दिखता नहीं है, वो प्रॉपर से लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन डबल एसी ब्लॉक में इतना गैप नहीं होता, तो जब वो बैठेगा तो इसमें क्रैक क्रिएट हो जाता है, क्लियर, जब इसमें क्रैक क्रिएट हो जाएगा तो वो सामने दिखता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जब 6-6, 8-8 mm की आपने एग्रीगेट प्रोवाइड किया, जब वो बैठेगा वो प्रॉपर से प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आपके डबल एसी ब्लॉक में क्रैक नहीं आएंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, एक बॉन्ड बीम प्रोवाइड करना है आपको, ऊपर कपची गिट्टी प्रोवाइड करनी है 150-150 mm पे, फिर इसको फिल कर देना है और आपके घर में क्रैक नहीं आएंगे। दूसरी चीज़, जहाँ भी बॉन्ड हमारी होती है, बीम और डबल एसी ब्लॉक की बॉन्ड है कंक्रीट और उसकी, जहाँ कॉलम और डबल एसी ब्लॉक की बॉन्ड है, वहाँ पे चिकन मैश मुर्गा जाली प्रोवाइड करनी ही करनी है प्लास्टर से पहले। दोनों पे क्या करो, 2-2 इंच या 3-3 इंच चिकन मैश लगा लो, उसके ऊपर प्लास्टर करो, फिर भी आपके घर में क्रैक्स नहीं दिखेंगे। ये चीज़ भी है। और मैं एक चीज़ कहूँगा, जब भी आपको डबल एसी ब्लॉक यूज़ करने हैं तो जो रेडी मिक्स मोटार आती है वो, ये बोला जाता है कि वो महंगी होती है, नहीं, प्रॉपर खर्चा पड़ता है दोनों का। जो खुद से मोटार बनाओगे, रेशो बनाओगे, भले 1:4 की बनाओगे, तो जो बाहर से आएगी वो फाइन होगी, मतलब बहुत रेडी, उसमें पानी डालना है और चिपका देना है, वो कम भी यूज़ होती है और सही भी होती है, प्रॉपर सेम खर्चा पड़ता है। तो मैं बोलूँगा डबल एसी ब्लॉक को जो केमिकल बोला जाता है या रेडी मिक्स मोटार आती है उससे लगाओ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।